एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूमिंग योरसेल्फ। मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी शॉपिंग साइट जिसके बारे में आप सभी लोग जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं इस शॉपिंग साइट के बारे में बताऊं। सो मैं हाजिर हूँ आपके सामने, लेके आई हूँ इस शॉपिंग साइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक नई शॉपिंग साइट जो अभी लॉन्च हुई है, उसका नाम है सेल एट कॉस्ट। यस गाइस, मैं आज आपसे सेल एट कॉस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं ना सिर्फ इसका रिव्यू देने वाली हूँ, ना कोई हॉल शेयर करने वाली हूँ, बल्कि मैं इस शॉपिंग साइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके लेके आई हूँ, वही सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आज के वीडियो में कि ये शॉपिंग साइट रियल है या फेक है, इस शॉपिंग साइट से हम कैसे शॉपिंग कर सकते हैं, कैसे चेकआउट कर सकते हैं, कब हम चेकआउट कर सकते हैं, शिपिंग चार्जेस क्या है इसके, और जब हम कार्ट में सामान ऐड कर लेते हैं तो क्यों हमारी प्राइस बढ़ जाती है, और एक जो जरूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इस शॉपिंग साइट पे शॉपिंग करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मोस्ट जरूरी बातें क्या है जिनको ध्यान में रख के ही आप इस शॉपिंग साइट का उपयोग करें, ताकि आप किसी प्रकार के घाटे या ठगी का शिकार ना हो। सो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे, और यदि आज का टॉपिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को पक्का हिट कर दें, वरना आपको मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप मेरे वीडियो को मिस कर सकते हैं। सो लेट्स रोल ऑन। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस शॉपिंग साइट के इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन हो जाए। सबसे पहले इस शॉपिंग साइट का नाम है सेल एट कॉस्ट। यह एक चाइनीज ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, जैसे कि क्लब फैक्ट्री है, जैसे कि अली एक्सप्रेस है, सेम उसी प्रकार की एक नई शॉपिंग साइट है जिसका नाम है सेल एट कॉस्ट। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि ये रियल है या फेक है। सो गाइज, ये रियल है, ये फेक नहीं है। आप इसे गूगल में प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आप एंड्रॉइड यूजर्स हैं, और यदि आप आईफोन यूजर्स हैं तो आप इसका वेबसाइट यूज कर सकते हैं। वहां पे आप सेल एट कॉस्ट टाइप करेंगे गूगल में जा करके, तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो ये रियल है, ये फेक नहीं। लेकिन इसमें फेकनेस और रियल के बीच में एक जरा सा अंतर है, और कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम सावधानी बरतते हुए किसी फ्रॉड से बच सकते हैं वो मैं जरूर बताऊंगी इस वीडियो के अंत में। लेकिन अभी उससे पहले हम इसका यूज जान लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि दी पूरा वीडियो बनाइएगा सेल एट कॉस्ट के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, हम कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे साइन अप कर सकते हैं। सो अभी हम जानेंगे कि हम कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका यूज करना। सो आप यदि एंड्रॉयड यूज़र हैं तो सेल एट कॉस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सेल एट कॉस्ट टाइप करना है। जैसे ही आप सेल एट कॉस्ट टाइप करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ही सेल एट कॉस्ट ऐप आ जाता है, उसमें सिंपली क्लिक करनी है। क्लिक करने पे ही यह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन चूज करना है। मेरे में यह ऐप पहले से इंस्टॉल है इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन आप में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा जिसमें क्लिक करना है, और चंद ही मिनटों में यह ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको ओपन करना है। मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, ये मैंने ओपन किया हुआ है। ये देखिए, ये ओपन हो गया। ये सेल एट कॉस्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2019/2/26, यानी 26 फरवरी से डील्स ओपन होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो मोस्टली फ्रंट पे होम पेज पे उसके हैं। देखिए, काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी चीप प्राइस है इनकी, और एज लाइक क्लैप फैक्ट्री की तरह ही इसमें प्रोडक्ट है। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स को साइन इन और साइन अप करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं साइन इन और साइन अप करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो साइन इन या साइन अप करने के लिए आपको चौथे नंबर पे नीचे साइट माई अकाउंट का ऑप्शन चूज करना है। आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें साइन इन, साइन अप, अबाउट अस, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, रिटर्न पॉलिसी, सारा कुछ है। एक एक पे आप क्लिक करते जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। रिटर्न पॉलिसी पे आप क्लिक करेंगे तो उनकी रिटर्न पॉलिसी जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, किस टाइप से आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं।
उसके बाद आप डिलीवरी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके डिलीवरी का सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उनकी पॉलिसी क्या है, किस टाइप से वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, शिपिंग चार्जेस क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट अस है, अबाउट अस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट या इस ऐप की सारी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, टैक्सेस कितनी कंबाइन कर रहे हैं, क्या है उनकी पॉलिसी, क्या है सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो पे दे दी है, आप यदि नहीं भी पढ़ते हैं तो आप मेरी वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यदि आपके पास इसमें आपने अकाउंट पहले से बना रखा है तो आपको सिंपली साइन इन करनी है, लेकिन यदि आपके पास अकाउंट नहीं है और पहली बार इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर डालना है। एक चीज़ मेंशन कर देना चाह रही हूँ, टेलीफोन नंबर यानी कि केवल टेलीफोन नंबर नहीं है, यहाँ पे आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर पुट कर सकते हैं। आपको जरा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेलीफोन नंबर मांग रहा है तो अब हम टेलीफोन नंबर कहाँ से लाएँ। तो जी नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पुट कर दीजिए, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिख लीजिए, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी लिख लीजिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। यदि आपके पास अल्टरनेट फोन नंबर है तो आप वो भी पुट कर लीजिए। इसके बाद आप पासवर्ड चूज करिए, इसके बाद इस बॉक्स पे चेक आउट करिए और उसके बाद कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे आप साइन अप कर लेंगे, यानी कि आपका अकाउंट इस ऐप पे बन जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपना यह मोबाइल नंबर जो कि आपने यूज़ किया है और यह पासवर्ड जो कि मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, आप ये पासवर्ड डाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग और इसको आपको याद रखना है। यही आपके साइन इन करने के लिए यूज़ होगा। इस प्रकार से आपको साइन अप करना है। मैं यहाँ पे साइन अप करना बता दी हूँ, अब मैं आपको बताऊँगी साइन इन कैसा करना है। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने साइन अप करते टाइम पे डाला हुआ है। टेलीफोन नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो भी आपने पासवर्ड बनाया हुआ है। बाई चांस यदि आप अपना पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी जो कि आपने साइन अप करते टाइम पे डाला हुआ है, उस ईमेल आईडी पे एक लिंक आ जाएगा जिसके थ्रू आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सो इस टाइप से आप पासवर्ड डालेंगे और फिर आप लॉगिन कर सकते हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आपने, मैंने साइन इन कर लिया है। साइन इन करते ही यहाँ पे विशलिस्ट है, यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे एड्रेस है। आप यहाँ पे एड्रेस पे आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। विशलिस्ट पे आपने जो भी प्रोडक्ट डाला हुआ है ये एड्रेस पे, मैंने एड्रेस बुक पे यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना हुआ है। आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, कंपनी लिखनी है, फ्लैट, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट जो भी है, लैंडमार्क लिखना है, किसके नियर है आपका होम या फिर जो भी एड्रेस है, सिटी लिखनी है, पोस्ट कोड डालना है, कंट्री डालनी है और स्टेट डालना है और फिर कंटिन्यू करना है। सो आपका एड्रेस सेव हो जाएगा। टाइप से आप इजली साइन इन कर पाएंगे। यहाँ पे बैलेंस है, जो भी आपके कूपन्स वगैरह होंगे, जो भी आपके बैलेंस वगैरह होंगे वो यहाँ ऐड होंगे। विशलिस्ट में आपने जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं वो यहाँ पे होंगे और ये सारा कुछ है। योर रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो आपको पॉइंट मिलेंगे, रिक्वायरिंग पेमेंट्स, अबाउट अस, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, रिटर्न पॉलिसी, सारा कुछ यहाँ पे होगा। और अंत में आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट इजली लॉग आउट हो जाएगा। अब हम जाते हैं होम पेज पे। ये मैंने होम पेज पे गया और प्रोडक्ट देख लेते हैं। एज लाइक सिमिलर, जैसे मैंने बताया क्लब फैक्ट्री पे जैसे प्रोडक्ट हैं, वैसे ही सेम सेलेक्ट कॉस्ट पे भी है, क्योंकि यह भी एक चाइनीज़ वेबसाइट है। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट की प्राइस है वह काफ़ी चीप है, क्योंकि यह इसके स्टार्टिंग का टाइम है तो लॉन्चिंग के लिए इन्होंने प्राइस को काफ़ी लो रखा हुआ है। ये तो आप देख सकते हैं काफ़ी लो प्राइस पे वो सभी प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि क्लब फैक्ट्री पर अवेलेबल है। काफ़ी चीप प्राइस है, 2 रुपीज़ से प्रोडक्ट स्टार्ट है। देखिए 2 रुपीज़ से प्रोडक्ट स्टार्ट है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि कार्ट पे प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। सो आपको प्रोडक्ट कार्ट पे ऐड करने के लिए, जैसे सिंपली यदि मैं इसको कार्ट पे अपने ऐड करना चाहूँ तो मुझे ऐड टू कार्ट क्लिक करना है। ये मैंने ऐड टू कार्ट क्लिक किया और वो मेरे कार्ट पे ऐड हो गया। ये मैंने कंफर्म कर दी, ये कंफर्म कर लिया, ये मेरे कार्ट पे ऐड है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ
ये देखिए मैंने 2 आइटम अपने कार्ट पे ऐड कर रखा है, एक की प्राइस है 19 रुपीज़ और एक की प्राइस है 29 रुपीज़, टोटल हो रहा है 49 रुपीज़। अब यदि मैं चेकआउट करती हूँ तब क्या आता है, तो चेकआउट करके देखते हैं गाइस। ये मैंने जैसे ही चेकआउट किया तो एक विंडो ओपन हो रहा है और जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है द पेमेंट सिस्टम इज ऑन एक्सपोर्टिंग नाउ, इट विल बी ओपन February 26, 2019, गेट लेटेस्ट प्रोसेस बाय फॉलोइंग फेसबुक होम पेज हाउ टू सेल बिकॉज ऑफ चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल आज चाइनीज फैक्ट्रीज आर क्लोज ड्यूरिंग हॉलीडे वी विल बी ओपन 100 सेलर 1000 काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड 100,000 पीस प्रोडक्ट टू बी सेलिंग टेस्ट द टेस्ट विल टेक 3 डेज पेमेंट मेथड पेटीएम क्रेडिट कार्ड एंड COD अवेलेबल। सो ये नोट आ जाता है यानी कि जो इनकी ऐप है वह 26 फरवरी के बाद से ही ओपन होगा क्योंकि चाइना में इस टाइम पे स्प्रिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है और स्प्रिंग फेस्टिवल यानी कि बसंत ऋतु जैसा कुछ वहाँ पे फेस्टिवल होता है। तो ये था सेल एट कॉस्ट साइट के बारे में गाइस कि आपको कैसे साइन इन करना है, साइन अप करना है, मैंने जैसे बताया उसी टाइप स्टेप आप फॉलो करेंगे तो ईजिली आप बिना किसी कन्फ्यूजन के साइन अप साइन इन कर सकेंगे, साथ ही साथ आप प्रोडक्ट को अपने कार्ट पर डाल सकेंगे। 26 फरवरी के बाद से इसमें पेमेंट का ऑप्शन स्टार्ट होगा, से पहले आप केवल इतना कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को जो भी आपको पसंद है उसको अपने कार्ड पे या विश लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं। सो ये था गाइस, आप बहुत इजीली इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा। सो गाइस मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ये क्यों इतने चीप क्वालिटी में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं जबकि आप इसके कंपैरिजन में क्लैप फैक्ट्री में देखेंगे तो प्राइस बहुत हाई है, लगभग इसके 2 से 3 गुना ज्यादा क्लैप फैक्ट्री पे प्राइस है, वही सेलेक्ट कॉस्ट पे प्राइस लगभग हाफ है, उसकी हाफ से भी हाफ है। Yes. जो चीजें वहां पे 150 रुपीज में मिल रही है यहाँ पे 10 या 20 रुपीज के अंदर मिल रही है, यानी कि बिल्कुल हाफ से भी हाफ प्राइस है। तो इतने सस्ते प्राइस पे वो अपना प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सेलेक्ट कॉस्ट एक नई वेबसाइट है जो कि इंडिया में लॉन्च हो रही है, तो लॉन्चिंग के टाइम पे क्लैप फैक्ट्री का भी प्राइस बहुत लो था, लगभग 1 या 2 ईयर तक क्लैप फैक्ट्री ने बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे प्रोडक्ट को सेल किया है। सेम उसी तरीके से सेलेक्ट साइट भी नई है और इसीलिए उसने अपने प्राइस को इतना कम इतना लो रखा है कि ताकि बहुत ज्यादा उसको इंडिया से ट्रैफिक मिल सके। अभी से लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट कार्ट पे इकट्ठा करना चालू कर दिया है प्राइस लो होने के कारण। सो ये रीजन है उनके प्राइस लो रखने का कि प्राइस लो रख के बहुत ज्यादा ट्रैफिक इकट्ठी की जाए, एक बार जब वो सेट हो जाएंगे इंडिया में क्लैप फैक्ट्री की तरह बाद में अपना प्राइस हाई कर देंगे, लगभग 5 से 6 मंथ के अंदर ही मे बी वो अपना प्राइस हाई कर देंगे क्योंकि इतनी अफोर्डेबल रेट पे प्राइस बेच पाना, इंटरनेशनल चीजें बेच पाना थिंक इतना इजी नहीं है। सो उन्होंने अभी केवल अपना वेबसाइट लॉन्च किया है और ओपनिंग इसकी है 26 फरवरी 2019, उसके बाद ही आप 26 फरवरी के बाद या फिर 26 फरवरी से ही वो पेमेंट या फिर COD का प्रोसेस चालू करेंगे, यानी कि आप चेकआउट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। सो गाइस आप लोगों के माइंड में जरूर ये बात आ रही होगी कि जो कुछ एक ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स ने सेलेक्ट कॉस्ट का रिव्यू दे दिया है या फिर उनके प्रोडक्ट का हॉल बना डाला है, सो वो कैसे बना लिया जबकि हमारा प्रोडक्ट तो चेकआउट होता ही नहीं है, हम कुछ भी बाय कर रहे हैं। तो यस प्रोडक्ट सच में चेकआउट नहीं होता, लेकिन कुछ एक लोगों ने जो रिव्यू दे दिया है उसकी वजह ये है कि जो यूट्यूबर होते हैं जो ब्लॉगर होते हैं उनके साथ कंपनियां ट्राई अप करती हैं, उन्हें अपना प्रोडक्ट भेजती है, वो उनकी प्रोडक्ट से आप सभी को इंट्रोड्यूस कराए, उनके वेबसाइट के बारे में आपको बताए। सो इसीलिए उन्होंने हॉल या रिव्यू दे दिया है या उनके बारे में बता दिया है क्योंकि उनको कंपनी ने आपको बताने के लिए प्रोडक्ट भेजे हैं, उनका भी आपकी तरह चेकआउट नहीं हो रहा होगा या नहीं हो रहा है डेफिनेटली क्योंकि वो साइट से क्लोज है, वो 26 के बाद ही ओपन होगी। अब नेक्स्ट थिंग जो आपसे बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए, ये है कि जब आप चीजों को अपने कार्ट पे ऐड करेंगे और उसके बाद चेकआउट कर रहे होते हैं तो चेकआउट करेंगे इस साइट से तो आपके चार्जेस अचानक से बढ़ जाते हैं, यानी आप किसी भी प्रोडक्ट को यदि 10 रुपीज में ले रहे हैं और उसकी प्राइस चेकआउट करते टाइम 15 रुपीज तक हो जाती है तो उसकी वजह क्या है, क्या सेलेक्ट कॉस्ट आपके साथ फ्रॉड कर रही है, आपको दिखा कम प्राइस पे रही है और सेल ज्यादा प्राइस पे कर रही है, ऐसा है क्या? सो गाइज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है,
हाँ, जब आप प्रोडक्ट को अपने कार्ट पे ऐड करेंगे तो उसकी प्राइस कम रहती है, लेकिन चेकआउट करते टाइम प्राइस बढ़ जाती है। वजह है कि ये साइट्स एस्टिमेट जीएसटी चार्ज करती है आपको, यानी एस्टिमेट चार्जेस इस पे भी लगते हैं, एज लाइक मिंत्रा और जवांग की तरह ही इसमें भी आपको एस्टिमेट चार्जेस देने पड़ेंगे। एस्टिमेट चार्जेस की वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी अप हो जाती है, वो कोई फ्रॉड या फिर कुछ ऐसा वैसा नहीं है। सेकेंड थिंग ये है कि इसमें आपको शिपिंग चार्जेस भी लगते हैं, जिसकी वजह से भी प्राइस थोड़ा हाई हो जाती है। शिपिंग चार्जेस आपको किस टाइप से लगते हैं? इनका कोई फिक्स शिपिंग चार्जेस नहीं है कि आपको 18, 20, 150 रुपीस देने पड़ेंगे और आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा। जी नहीं, इसमें प्रोडक्ट के वेट के अकॉर्डिंग ही आपको शिपिंग चार्जेस लगते हैं, यानी कि आपने जो जो प्रोडक्ट लिए हुए हैं उनका वेट किया जाएगा और वेट के अकॉर्डिंग आपको शिपिंग चार्जेस वो चार्ज करेंगे। जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट का वेट होगा उतना ज्यादा आपको शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, और जितना कम प्रोडक्ट का वेट होगा उतना कम आपका शिपिंग चार्जेस होगा। तो प्रोडक्ट के वेट के अकॉर्डिंग ये शिपिंग चार्जेस आपसे लेते हैं। शिपिंग चार्ज और एस्टिमेट जीएसटी की वजह से ही आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। अब आप इसको शिप कैसे कर सकते हैं, यानी आपके घर तक कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे? तो दो ऑप्शंस है प्रोडक्ट को घर तक पहुंचाने का उनके। फर्स्ट है ई-कॉम एक्सपर्ट डिलीवरी वगैरह कोरियर सेंटर, और सेकेंड ऑप्शन है पोस्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू। यानी ये दोनों ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराता है, आपको उनमें से ऑप्शन चुनना पड़ेगा कि आपको कौन से ऑप्शन पे जाना है, कौन से ऑप्शन से आप शिपमेंट चाहते हैं। यदि आप ई-कॉम एक्सपर्ट डिलीवरी वगैरह कोरियर चुनते हैं तो आपका प्रोडक्ट 6 से 10 डेज के अंदर आपको डिलीवर्ड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज ज्यादा किया जाएगा, आपके प्रोडक्ट के वेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन यदि आप इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू चुनते हैं तो आपको 1 या 150 रुपीज के अंदर ही आपको शिपिंग चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट थोड़ा लेट डिलीवर्ड होगा। यू नो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट का काम थोड़ा स्लो ही होता है, इस वजह से आपको प्रोडक्ट लगभग 1 मंथ तक लग जाते हैं शिप होने में, लेकिन आपको प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। तो आप यदि इंडियन पोस्ट ऑफिस का चूज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट थोड़ा लेट डिलीवर्ड होगा, और यदि आप कोई कोरियर सेंटर के थ्रू चूज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा, लेकिन आपको चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। अब लास्ट इन्फॉर्मेशन और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको सेलेक्ट कॉस्ट से शॉपिंग करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रख के ही शॉपिंग करनी है, ताकि आप ठगे का शिकार ना हो जाए और आपको पछताना ना पड़े। तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप सामान लें सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप COD ही ऑप्शन चूज करें। पेमेंट करने से अच्छा है पहली बार इस शॉपिंग साइट का उपयोग करते समय COD ऑप्शन ही चूज करें। इस कंडीशन में क्या होगा, यदि आप COD ऑप्शन चूज करेंगे तो जब आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा तभी आपको पेमेंट करना है। इससे ये साइट नहीं है, अभी हम इसके बारे में पूरे तरीके से श्योर नहीं है कि ये फेक है या रियल है। तो सबसे पहले जब प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाएगा तब आप पेमेंट करेंगे, तो वो ज्यादा सिक्योर है। उसके बाद आप अगले शॉपिंग में आप बिल्कुल पेमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम शॉपिंग करते समय आप ध्यान रखें कि आप COD ऑप्शन का ही चूज करें। ये साइट फेक भी हुई और आपका प्रोडक्ट आपको नहीं भी मिला तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, और यदि आप COD ऑप्शन नहीं चूज करते हैं, फर्स्ट टाइम ही पेमेंट कर देते हैं, और यदि किसी बाय चांस ये साइट फेक हुई और आपका प्रोडक्ट आपको नहीं मिला तो आपको बहुत रिग्रेट करना पड़ सकता है, तो आप COD ऑप्शन का ही चुनाव करें, मेरा सजेशन यही है। सेकेंड थिंग ये है कि जब आप सेल एट कॉस्ट साइट से शॉपिंग करें, फर्स्ट टाइम शॉपिंग करते समय बहुत कम प्रोडक्ट बाय करें, और ऐसे प्रोडक्ट बाय करें जिनका वेट लाइट वेटेड हो, ताकि आपको शिपिंग चार्जेस वगैरह का अंदाजा हो जाए कि ये किस टाइप से शिप करते हैं, क्योंकि ये नई साइट है, इसकी पॉलिसी अलग अलग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वेट के अकॉर्डिंग आपको शिपिंग चार्जेस लगते हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट आप चूज करें या बाय करें जिनका वेट लाइट हो, ताकि आपको कम शिपिंग चार्जेस देने पड़े, और एक बार जब आप शॉपिंग कर लेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी कि इतने वेट के अकॉर्डिंग इतना शिपिंग चार्जेस लग रहा है, तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए अफोर्डेबल है या फिर क्या है, और वैसे ही आप आगे शॉपिंग कर सकते हैं, वरना नहीं। तो फर्स्ट टाइम आप
अपना प्रोडक्ट लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। ये नहीं है गाइस कि बहुत सस्ता है, 2 रुपए से सामान स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत सस्ते हैं अदर वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो हम भर भर के शॉपिंग कर ले, फर्स्ट ही टाइम पे 10,000-12,000 का शॉपिंग कर ले, जितने का ज्यादा हमारा सामान नहीं है उससे ज्यादा हम शिपिंग चार्जेस दे रहे हैं, तो ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा ना। इसलिए चीफ रेट को ना देखें, केवल वही प्रोडक्ट ले, एक केवल ट्राई करने के लिए कुछ एक प्रोडक्ट ले, 5-6 प्रोडक्ट ले हल्के वजन के लिए पहली बार इसको ट्राई करते टाइम, और उसे अंदाजा लगाएं कि आपको कितना शिपिंग चार्जेस देना पड़ रहा है और कितनी एस्टिमेट जीएसटी देनी पड़ रही है। नई वेबसाइट है, आप कम प्रोडक्ट लिए हैं तो आप उसकी क्वालिटी को भी जज कर सकते हैं। पहले 4-5 सामान लीजिए, उसकी क्वालिटी को जज करिए, फिर श्योर हो जाइए कि उसकी क्वालिटी सही है या नहीं। किसी के कहने पे मत जाइए, यदि उसकी क्वालिटी आपको सही लगे तब आप आगे भी उसके साथ शॉपिंग कर सकते हैं। अभी 5-6 महीने तक उनकी प्राइस यही रहेगी जब तक कि वो अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाते। एक बार स्टेबल हो जाने के बाद एज लाइक क्लॉथ फैक्ट्री की तरह ही वो प्राइस बढ़ाएंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा शॉपिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत कम प्राइस होने के चलते बहुत सारे लोगों ने 10,000 तक के प्रोडक्ट अपने कार्ट पे ऐड कर रखे हैं। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखें, पहली बार में 4-5 प्रोडक्ट लें, क्योंकि ये एक नई साइट है और कोई पूरी तरीके से इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ एक चाइनीज साइट भी है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, कम प्रोडक्ट लें, पहली बार में लाइट वेट का प्रोडक्ट लें, पहले आप इसकी क्वालिटी और पॉलिसी से श्योर हो जाए, फिर इसके बाद ही आगे की शॉपिंग करें। ये सिर्फ सेलेक्ट कॉस्ट के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, आप कोई भी नई शॉपिंग साइट जिसका यूज आपने अभी तक नहीं किया है या फिर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस बात का ध्यान रखें, पहली बार किसी भी शॉपिंग साइट से शॉपिंग करते समय थोड़े और कम सामान ले, ताकि आपको बाद में उसकी क्वालिटी के लिए या उसकी पॉलिसी के लिए रिग्रेट नहीं करना पड़े। फोर्थ एंड लास्ट थिंग, ये सिर्फ सेलेक्ट कॉस्ट के लिए नहीं है गाइस, ये सारी वेबसाइट्स के लिए है जो आपके लिए नई है या जिसका आपने अभी तक यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले उस वेबसाइट के बारे में जानिए, उस वेबसाइट के बारे में रिसर्च करिए, वेबसाइट कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, एक आध वीडियो देख लीजिए यूट्यूब के बारे में, 2-4 देख लीजिए ताकि आप इंश्योर हो जाए। उसके बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, जब तक आप उसके बारे में इंश्योर नहीं हो जाते हैं तब तक आप शॉपिंग मत करिए उसके साथ। आप उसकी पॉलिसी जान लीजिए, आप उसकी क्वालिटी जान लीजिए और मेक श्योर आप उसकी पॉलिसी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसकी COD अवेलेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, शिपिंग चार्जेस कितने हैं, किस टाइप से शिपिंग चार्ज करते हैं, वो सारा कुछ जब आप जान लीजिए तभी ही शॉपिंग करिए। इस टाइप से आप ऑनलाइन शॉपिंग में धोखेधड़ी से बच सकते हैं और सुरक्षित शॉपिंग कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा क्योंकि आपके सब्सक्राइब के साथ ही हम लोग को ब्लेसिंग मिलती है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को पक्का हिट कर दीजिए, वरना आपको मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे आगे की और फिर आप मेरे से कंप्लेन ही करते रहेंगे कि दी आपका वीडियो नहीं पता चलता है कि कब आया कब गया। सो प्लीज आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है, सो जाइए चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।